Assalamu Alaikum Dear students today we are going to discuss lecture number 39 of the database management system course the course code is CS403 In the previous lecture we were discussing about the indexes and as you know indexes are basically used to speed up the access of data from the database because if indexes are not there then whenever we want to access data on the basis of certain condition you know that we apply the condition when we want to access certain rows of a table not all of them but certain rows because if uh, we want to access all the rows then we simply select uh, give a select statement and that gives us all the rows from the table but in case if we want to select certain rows then how do we distinguish how do we identify those particular rows that we want to access we distinguish them by giving a condition and when we are accessing the data from the database on the basis of a condition then in the absence of indexes the only option is sequential access or <laughs> सीक्वेंशल एक्सेस जो है वो इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग इट्स नॉट वेरी एफिशेंट स्पेशली इफ द फाइल साइज इफ द टेबल साइज इज लार्ज क्योंकि जब आपके पास छोटा टेबल साइज है लर्स के 100, 200, 300, तीन सौ हजार तक रिकॉर्ड्स हैं उसमें सीक्वेंशल एक्सेस भी इतनी ज्यादा आपको फील नहीं होती कि ये स्लो है लेकिन आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन में नॉर्मली यू हैव टू मैनी रिकॉर्ड्स इन द इन द डेटाबेस टेबल्स और ये हजारों में बल्कि ये लाखों में भी जा सकते हैं तो ऐसी सिचुएशंस में आपके जो एज ए डी एक्सपर्ट एज ए डी और एज ए डाटा बेस एक्सपर्ट दीज आर द डिसंस दीज आर द टेक्निकल डिसीशन दैट यू हैव टू मेक और जब आप ये डिसीजन लें तो उसके पीछे आपके पास पूरी एक जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो होनी चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं इससे फायदा क्या होगा अगर हम चीज़ कर रहे हैं तो इसका ओवरहेड क्या होगा तो इंडेक्सेस जो हैं वो उस वक्त आपको हेल्पफुल होते हैं जब आपकी टेबल का साइज बहुत ज्यादा है उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और आप किसी खास कंडीशन के बेस पे उस पे से डाटा एक्सेस करना चाहते हैं तो अगर हमारे पास इंडेक्स फाइल नहीं है देन द ओनली ऑप्शन इज टू सर्च आवर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स सीक्वेंशली यानी हम तमाम रिकॉर्ड्स को बारी बारी पढ़ें और फिर ये चेक करें कि जिस कंडीशन पे वी वांट टू एक्सेस द डाटा वेदर दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड फुलफिल्स दैट कंडीशन और नॉट तो अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो वो आपका रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है अगर नहीं है तो नहीं है बट द थिंग इज यू आर डूइंग इट सीक्वेंशली तो एक रिकॉर्ड अगर आपका जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है वो कहीं शुरू में पड़ा हुआ है एक आखिर में भी हो सकता है बट इफ यू क्रिएट इंडेक्स उससे ये होगा कि इंडेक्स आपको हेल्प करेगा उस वैल्यू के बेस पे वो रिकॉर्ड्स को अरेंज कर देगा और आपको याद होगा कि अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि इंडेक्स फाइल्स में जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनकी अरेंजमेंट चेंज नहीं होती बल्कि वो कीज को मेंटेन करता है और उस कीज से जो पॉइंटर्स हैं उनको मेंटेन किया जाता है ताकि आप डायरेक्टली उस रिकॉर्ड तक पहुंच जाएं कि जो रिकॉर्ड आपको चाहिए ऑब्वियसली इसमें भी इंडेक्स uh, के केसेस में भी कुछ एक्सेसेस इन्वॉल्व होती हैं लेकिन जो इंडेक्स के जरिए एक्सेस है वो इज मच मच मोर एफिशेंट एज कंपेयर टू द सिकुएशन एक्सेस तो uh, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा uh, था इंडेक्सेस के बारे में और हमने ये पढ़ा था कि व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेस टू इंप्लीमेंट द इंडेक्सेस उसमें हमने बेसिकली तीन मेजर अप्रोचेस पढ़ी थी द थ्री अप्रोचेस दैट वी डिस्कस्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडेक्सेस वर वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड द इन्वर्टेड फाइल्स और आपको पता है कि इन्वर्टिड फाइल्स खास तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं इन द केस ऑफ सेकेंडरी की इंडेक्स कि जब हम सेकेंडरी की पे इंडेक्स करना चाहते हैं तो उस वक्त जो इन्वर्टिड फाइल है वो क्या करती है उसमें कि आपका जो सेकेंडरी uh, की एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ होती हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होती हैं और उसके बाद जो रेलिवेंट रिकॉर्ड है जो उसकी रेलिवेंट uh, uh, जो रेलिटिव पोजिशन है डाटा टेबल के अंदर वो स्टोर होती है वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सेस द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ दैट की फील मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि वी वॉन्ट टू एक्सेस द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ से नेम ऑफ द एम्प्लॉय तो क्या होगा कि अगर आपने इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है उसमें क्या होगा कि पहले वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए वो नाम को सर्च करेगा आपकी इन्वर्टेड फाइल में और वहां से द डीबीएम गैट द रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर ऑफ द रिकॉर्ड दैट कंटेन्स दिस पर्टिकुलर नेम एज वैल्यू तो वहां से फिर वो उस रिकॉर्ड तक पहुंच जाएगा जो आपका रिक्वायर्ड रिकॉर्ड है तो दिस वॉज द इन्वर्टेड फाइल आफ्टर दैट वी डिस्कस चेंज उसमें भी आपने देखा कि वो uh, किस तरह से आप जो तमाम uh, जो सेकेंडरी की है उसकी वैल्यू के बेसिस पे द देंज आर द लिंक्स आर मेंटेन्ड और उस पर हमने आखिर में ये भी देखा था कि वी कैन मेंटेन दी सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड ऑल्सो दबल लिंग लिस्ट तो यह चीजें भी हम इस तरह से कर सकते हैं एंड द लास्ट अप्रोच दी और हमने देखा था कि किस तरीके से जो ट्रीज हैं वो खासतौर पर जो बी प्लस ट्रीज है वो इस्तेमाल होते हैं टू इंप्लीमेंट द इंडेक्स और उसमें यही है कि जो आपका रूट नोड और जो इंटरमीडिएट नोड है पॉइंटर्स लेकिन जो आपके लीफ नोड है वो इधर दे कंटेन द एक्चुअल डाटा और दे कंटेन द की वैल्यू and the pointer towards the record where it is stored so this was a brief summary that we have discussed about the indexes uh, in the previous uh, one or two lectures to aaj hum start karte hain aaj ka hamara lecture aaiye aage chalte hain we were discussing the index classification तो so, different हमारे पास यानी जो हमने पहले पढ़ा था कि किस बेसिस पे वो implement हुआ हुआ है दैट इज ऑल्सो वन discuss the classification of indexes. Another इंडेक्सेज एनदर क्राइटेरियन टू डि क्लासिफिकेशन इज दैट वेदर द इंडेक्स इज clustered or unclustered. मतलब ये भी हमारे पास एक क्राइटेरियन uh, है जिसके बेस पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अब इसमें एक सिंपल uh, सी इसकी एक डिफरेंस uh, है कि अगर आपके जो रिकॉर्ड्स हैं फिजिकली टेबल के अंदर इंडेक्स के ऑर्डर में स्टोर्ड है देन दैट इंडेक्स विल बी कॉल्ड द क्लस्टर्ड इंडेक्स जैसे यहां लिखा हुआ है इफ ऑर्डर ऑफ डाटा रिकॉर्ड इज द सेम एज ऑर्डर ऑफ इंडेक्स डाटा एंट्रीज देन इट इज कॉल्ड क्लस्टर्ड इंडेक्स और आप इससे आपको अंदाजा हो चुका हुआ होगा कि चूंकि हमने कहा था कि नॉर्मली आवर रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन ऑफ द प्राइमरी की तो नॉर्मली जो हमारा क्लस्टर्ड इंडेक्स है दैट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी की आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इसको आप ओवर भी कर सकते हैं बट दिस इज वॉट नॉर्मली हैपन्स और इसके लिए जनरली यू डू नॉट नीड टू गिव एन एक्सप्रेट एक्सप्रेस स्टेटमेंट कि आप क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करें जो ही आप प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं फॉर अ टेबल वाइल क्रिएटिंग द टेबल तो उस वक्त यह कि ऑटोमेटिकली उसके लिए जो एक क्लस्टर्ड uh, इंडेक्स है दैट इज क्रिएटेड बाय द डीबीएमएस फिर ये कहते हैं कि अ फाइल कैन बी क्लस्टर्ड ऑन एट मोस्ट वन सर्च की यानी वो आप जाहिर है चूंकि हमने कहा कि जो क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो जिस की की बेस पे क्रिएट हो रहा है जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, वो उसी ऑर्डर में स्टोर है तो जाहिर है कि आप यू वुड लाइक कि आपका जो डाटा वो एक ही दफा स्टोर हो जनरली तो चूंकि हमारा डाटा एक ही दफा स्टोर है तो जो हमारा क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो एक ही दफा वो एक ही की ऊपर हो सकता है देखें एक तरफ हमने कहा था कि हम जो इंडेक्सेस हैं वो बहुत से क्रिएट कर सकते हैं मतलब वी कैन देर आई थिंक इन द हंड्रेड्स लिमिट है आपके मतलब uh, 200 300 से आप uh, जो इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं एक ही टेबल के ऊपर तो लिमिट तो उस तरह से काफी ज्यादा है बट द थिंग इज के देर बी जस्ट वन क्लस्टर्ड इंडेक्स यानी क्या होगा कि जिस पे आपने विंग द्लस्टर्ड इंडेक्स एंड दैट इज जनरली द प्राइमरी की होगा यह कि जो आपके रिकॉर्ड का ऑर्डर है वो वही होगा जो किसकी की वैल्यू है जैसे कि प्राइमरी की होगी इससे होगा यह कि जैसे अभी हमने बात की थी कि जो लीव कोड है आपके लीव क्लोड में दो पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि उसमें की वैल्यू है और रिकॉर्ड इट्स सेल्फ है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि की वैल्यू है एंड ए पॉइंटेड टूवर्स द रिकॉर्ड विद दैट वैल्यू तो इसका मतलब यह हुआ कि इफ वी आर हैविंग द क्लस्टर्ड इंडेक्स इफ वी आर इंप्लीमेंटिंग थ्रू द बी प्लस ट्रीज तो जो आपके लीफ नोट है उनमें रिकॉर्ड रिकॉर्ड दम सेल्स विल बी देर सही है लेकिन इफ यू आर हैविंग द नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स और जहरा कि वो आपके बहुत से हो सकते हैं ठीक है जितने भी आपको जरूरत हो सकते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो आपके लीफ नोड है यानी कि आपका जो अगर इंप्लीमेंटेड है थ्रू दी बी प्लस ट्री अगर उसके थ्रू इंप्लीमेंटेड है तो जो आपके लीफ नोड होंगे उसमें होगी की की वैल्यू और इसके बाद पॉइंटर टुवर्ड्स द रिकॉर्ड जिस जिसमें के की की वो वैल्यू है तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन ए क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड या अनक्लस्टर्ड इंडेक्स uh, में और जैसे मैंने भी आपसे कहा कि You can have uh, just one uh, uh, clustered index, like in non clustered index, hai, you can have many of them. Cost of retrieving data records through index varies greatly based on whether index is clustered or not. Yani, this is understood that the index will speed up the access from the database, access of data from the database is guaranteed. Hai. इवन अमंग द इंडेक्सेस जो आपका क्लस्टर्ड इंडेक्स होगा जाहिर है कि उससे एक्सेस बहुत फास्ट होगी एज कंपेयर टू अनक्लस्टर्ड इंडेक्स के इसलिए कि जिस वक्त आप यू आर हैविंग लेट्स से थ्रू बी प्लस ट्री तो उस वक्त क्या होता है कि जब आपने एक पर्टिकुलर की वैल्यू के साथ यू वॉन्ट टू एक्सेस ए रिकॉर्ड तो जब आप ट्री के थ्रू सर्च करते हुए वेन यू रीच योर रिक्वायर्ड की

देर यू विल फाइंड द एड्रेस ऑफ द पॉइंट ऑफ योर रिक्वाड रिकॉर्ड तो यहां से फिर आपको एक और एक्सेस करनी पड़ेगी उस रिकॉर्ड तक जहां पर रिकॉर्ड है उसमें एक एडिशनल एक्सेस आ गई फिर इसमें यानी और भी फैक्टर्स मामला जो कि अभी आपको आगे नजर आएंगे ये देखिए यह डाइग्राम आपको फर्क जो है वो दिखा रही है कि क्या फर्क है एक्सेस इन द कलस्टर्ड इंडेक्स एंड एक्सेस विद एन अनकलस्टर्ड इंडेक्स जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जब आप एक्सेस कर रहे हैं थ्रू ए क्लस्टर्ड इंडेक्स तो क्या होगा कि जब आप पहुंच गए रिक्वायर्ड की पे अब फर्स्ट करें यू वांट ए रेंज ऑफ वैल्यूज आपने कहा कि जैसे मिसाल के तो आपने कहा कि एज बिटवीन 17 एंड 20 या आपने कहा कि एंप्लॉय आईडी बिटवीन ब्लड से के ई वन जीरो वन वन एंड थ्री जीरो फाइव फाइव तो ये जो आपने रेंज दे दिया या कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी तो इवन अगर आपने रेंज दे दिया तो इन केस ऑफ क्लस्टर्ड इंडेक्स जब आप पहली वैल्यू पर पहुंच गए नाउ दिस इज कन्फर्म कि जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं वो साथ ही पड़ी हुई हैं बिल्कुल साथ पड़ी हुई हैं तो वो आप ये करें कि सिक्वेंशली उसको पढ़ना शुरू कर दें जो दे जबकि लिफ्ट लोडा उसमें पॉइंटर मेनटेन्ड है तो यू आर एक्सेसिंग ऑल द रिकॉर्ड्स लेकिन अगर आप बात करते हैं एक अनक्लस्टर्ड इंडेक्स की तो उसमें यह है कि फिर वही बात है कि आपको अपनी रिक्वायर्ड की तक पहुंचे वहां से आप अपने आपको पॉइंटर मिला नेक्स्ट रिकॉर्ड का वहां चले गए अब ऑल दो के जो आपकी नेक्स्ट की है फर्ज कर आप कहते हैं नेम की बात करते हैं कि आपने कहा नेम है आपने कहा नेम बिटवीन बिटवी से के माजिद एंड सईद अब जिनके नाम माजिद और सईद के दरमियान है वो दे दें तो माजिद का नाम जब आप माजिद पहुंचे तो वहां से आपको पॉइंटर मिल गया माजिद का लेट्स से इसके बाद आपके पास जो है ना वो इसके बाद जो रिकॉर्ड था वो नईम का था दी ऑफ द नेम विल बी नेक्स्ट टू मार्जिद वो तो साथ ही बड़ी होगी क्योंकि okay? वो आपका जो नोट uh, है वो आपके नाम को दे स्टोर इन दर्डर इन दीक्वेंस लेकिन क्या होगा कि जब नहीं पे पहुंचेंगे देर यू वॉन्ट फाइंड दर रिकॉर्ड विद द नेम वैल्यू ने अगेन देयर देयर यूल्टर टूअर्ड द रिकॉर्ड इट इज प्रैक्टिकली स्टोर्ड इसका मतलब आप ये खुद इससे आपको समझ आ जाएगा कि अनक्लस्टर्ड जो आपका इंडेक्स है ऑल इट इज मच मच एफिशियंट एज कंपेयर टू दिक्वेंशियल एक्सेस लेकिन जब आप बात करते जब आप कंपेयर करेंगे बिटवीन क्लस्टर्ड एंड अनक्लस्टर्ड के तो डेफिनेटली जो आपका क्लस्टर्ड uh, आपका इंडेक्स है उस केस में वह जो एक्सेस है वो बहुत एफिशिएंट होगी एज कंपेयर टू अनक्लस्टर्ड इंडेक्स के आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी होगी आइए आगे, आगे चलते हैं

ऐसा ना हो कि आप एक यूटिलिटी को इस्तेमाल करते करते ओवरऑल जो आप जो है ना वो एक इनएफिशिएंट सिस्टम जो है वो जनरेट कर रहे हैं या वो आप इस वक्त आपका सिस्टम इनएफिशिएंटली काम कर रहा है तो यहां पे टिप्स हैं जो कि इसमें है कि किस सिचुएशन में कब आपको इंडेक्स इस्तेमाल करने चाहिए या कब वो हेल्पफुल होते हैं तो पहली बात तो यह यूजफुल ऑन लार्ज टेबल्स जैसे मैं आपसे पहले कहा था कि इफ यू हैव रिकॉर्ड्स दैट्स इन फ्यू हंड्रेड्स तो आजकल के जो आ, मशीन्स हैं वो भी इतनी फास्ट हैं और आजकल के डी भी इतने एफिशिएंट है कि वो फ्यू हंड्रेड्स पे आपको इट वॉन्ट मेक मच डिफरेंस कि अगर आप इंडेक्स क्रिएट करें या ना करें हो सकता है कि वो बल्कि शायद इन एफिशियंट ही हो क्योंकि जब आप इंडेक्स को मेनटेन कर रहे हैं तो वो जो कॉस्ट है वो जस्टिफाई नहीं करती उस एफिशेंसी से कि जो आपको इंडेक्स देगा इसलिए वट आई वुड सजेस्ट के अनलेस यू गॉट अ फ्यू थाउजेंड रिकॉर्ड्स तब तक आप इंडेक्सेस को एक्सप्लिसिटली क्रिएट मत करें रिक्वायर्ड और प्राइमरी की ये नॉर्मली जो है वो वहाँ पर होता ही है और मैंने आपसे कहा था कि जो प्राइमरी की कोई ऑटोमेटिकली ये क्रिएट भी हो जाता है तो अगर आप एक्सपिसिकली नहीं भी कहते तो वो क्रिएट हो जाता है यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट्स अपीयरिंग इन वेयर ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉजेज क्योंकि अगेन ऐसा होता है कि ये जो तीनों जब के कलॉज हैं ये ऐसी है कि जो रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं एक्सेस कर रही हैं सर्टन रोज को तो है कि जब सडन रोज को एक्सेस करना है तो अगर आपके पास इंडेक्स है तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप अपने फ्यू एक्सेस में आप अपनी रिक्वायर्ड की वैल्यू तक तो पहुंच जाएंगे उस एट्रीब्यूट वैल्यू तक तो पहुंच जाएंगे जिस पे आप सर्च कर रहे हैं और उसके बाद जो अगर आपको रेंज चाहिए या नेक्स्ट चाहिए तो साथ ही आपको उनके रेफरेंसेस या वो रिकॉर्ड खुद मिल जाएंगे और इसी लेकिन अगर फर्ज करें अगर आप इफ यू डोंट हैव द इंडेक्स तो उसमें मैंने आप जैसे सबसे पहले कहा था कि देन ओनली ऑप्शन इज के यू सर्च योर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स रिक्वॉय देखिए जैसे ऑर्डर बाय है अरेंज करता है आउटपुट uh, को और ग्रुप बाय जो है वो भी अगेन सर्टन रोज को आपस में कंबाइन करता है तो उसको सर्टन रोज को एक्सेस करना होता है तो ये तमाम जो क्लॉजेस दिए गए इनमें कॉमन चीज क्या है कि दे एक्सेस सर्टन रोज तो उस केस में अगर इंडेक्स होगा तो जो रोज तक एक्सेस है दैट वुड बिकम एफिशिएंट। तो इस केस में आपको वो सोचना चाहिए कि वी क्रिएट द इंडेक्स सिग्निफिकेंट वैरायटी इन वैल्यूज यानी आपके पास एक एट्रीब्यूट है अगर उसमें हम कहते हैं कि हम कहते हैं एज ग्रुप हमारे पास फर्ज करें कि एंप्लॉयज हैं और उसमें हमारे पास जो एज ग्रुप है फर्ज करें हम कहते हैं तीन है हम कहते हैं कि बॉय यंग और मेच्योर लड़से हमारे पास तीन एज ग्रुप है बॉय और यंग और मेच्योर अब फर्ज करें हमारे पास अगर दस हजार रिकॉर्ड भी हैं तो अब जो इस एट्रीब्यूट की वैल्यू होनी है उसमें जो वेराइटी और कितनी है सिर्फ तीन वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो अगर तो जाहिर है कि आप दो चीजें देखें एक चीज तो यह है कि आपको किसी एक वैल्यू के साथ बहुत सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे दस हजार में से अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करें तो कम अज कम हजार रिकॉर्ड जो वो एक ही वैल्यू के होंगे तो वो अगर फर्ज करें आपको थ्रू और भी सर्च करने पड़ जाए या अगर वो आ, आ, अगर वो स्प्रेड भी है पूरे टेबल में तो वो उसका इतना फायदा नहीं है अनलस के हम ये कहें कि भाई आपके पास बहुत सी डिफरेंट वैल्यूज हैं और उनमें से जब तक आप यानी कि वो जो जब आ, और वो कहीं कहीं मौजूद है कम मौजूद है यानी पूरे रिकॉर्ड में से फर्ज करें हमारे पास दस हजार रिकॉर्ड है और उनमें से जब हम किसी एक वैल्यू के बेस पे सर्च करेंगे तो जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो इतनी ज्यादा नहीं होंगी जो रिकॉर्ड्स मिलेंगे वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे वो तभी पॉसिबल है कि अगर एक फील्ड की जो पॉसिबल वैल्यू जो इसका डोमेन है वो निस्पेशन ज्यादा हो और इस केस में औरल की एक रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास आ, किसी एट्रीब्यूट में मिनिमम थर्टी डिफरेंट वैल्यूज हो तो उस केस में आप यानी जो है ना वो इस्तेमाल कीजिए इंडेक्स कीजिए

वो यानी इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो उसे बैलेंस नहीं करेगा तो इसलिए आपको मतलब एक फैक्टर जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए कि इंडेक्स मैं इस पर क्रिएट करूं या ना करूं जहरा किसी भी सेकेंडरी की वैल्यू के ऊपर तो उसमें एक ये भी ऑप्शन है कि उसमें जो वराइटी है वैल्यूज के अंदर उस एट्रीब्यूट की वो ज्यादा होनी चाहिए चेक द लिमिट ऑफ इंडेक्सेज विद योर डी बी एम एस ये कोई बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में कभी ये प्रॉब्लम होगा वरना मैंने आपसे कहा कि डी बी एम एस जो हैं दे अलाउ इन हंड्रेड्स तो आ, स्टिल मतलब यह कि आपको चेक करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो मेक योर डिसीजन वेरी मच जस्टिफाइबल इंडेक्सेज इंट्रोड्यूस ओवर हैड जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि नथिंग कम्स फॉर फ्री तो अगर आप इंडेक्सेस को इस्तेमाल करते हैं और वो आपको एफिशिएंट एक्सेस दे रहे हैं तो साथ ही उनको मेंटेन करने के लिए एक तो स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं सेकेंडली आपका एफर्ट आपकी जो प्रोसेसिंग है वह उसमें इस्तेमाल हो रही है तो इंडेक्सेस कॉस्ट यू बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एंड इन टर्म्स ऑफ सी पी यू टाइम तो इसलिए आप और फिर दूसरी जो बाकी जो डिसीशन है जैसे मैं आपसे कहा कि वैरायटी है वगैरह वगैरह उसको देखते हुए आप इसको मतलब देखें अदरवाइज आप ऐसे ब्लाइंडली ना कहें कि खुशी से कहें चूंकि मुझे डी बी एम एस ने बहुत ज्यादा लिमिट दी हुई है इंडेक्सेस uh, क्रिएट करने के लिए तो मैं क्यों ना तमाम फील्ड्स के ऊपर और तमाम कम्बीशन के ऊपर इंडेक्सेस क्रिएट कर लूँ नहीं ये इतना वाइज डिसीजन नहीं होगा नो वी समराइज द डिस्कशन ऑन इंडेक्सेस यूजफुल टूल टू स्पीड अप द डाटा एक्सेस ये हम अब बार बार कह चुके हैं और आई होप कि अब तक हमारे जहनों में ये बैठ चुका होगा कि इंडेक्सेस का फ़ायदा क्या है कि वो डाटा एक्सेस को स्पीड अप करते हैं कैन बी यूनिक और नॉन यूनिक ये हम बात कर चुके हैं कि जो आपके प्राइमरी की है उस पर ज़ाहिर है कि आपका यूनिक बनेगा इंडेक्स और जो आपका कोई भी इस तरह जो अगर आपका कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की तो नहीं है बट दैट इज़ अ यूनिक एट्रीब्यूट तो वो उस पर भी वो यूनिक इंडेक्स बनेगा लेकिन जो आपका सेकेंडरी कीज हैं वो उस पर आपके नॉन यूनिक इंडेक्सेस बनते हैं कैन बी इम्पलीमेंटेड थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो तीन मेजर टेक्निक्स हमने टेक्निक्स डि, uh, डिस्कस की हैं उस पर था इन्वर्टेड फाइल्स लिंक लिस्ट और ट्रीज बी केयरफुल दे इन्वॉल्वर हैड ये मैं हम बात कैरिए कह, कह चुके हैं डियर स्टूडेंट्स इंडेक्श की तरह से व्यूज भी एक डाटा uh, बेसिस का बहुत इम्पोर्टेंट और टेक्निकल uh, टॉपिक है और अगेन व्यूज जो हैं वो बहुत यूजफुल चीज हैं बट यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द व्यूज तो व्यूज़ uh, जो हैं वो हम बेसिकली इसके डिफरेंट टाइप्स हैं और हम उसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं लेकिन व्यूज़ जो है उसका आइडिया तो आपको बेसिकली अब तक uh, है किस तरह से द थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन द थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर उस पर जब हमने बात की थी एक्सटर्नल स्कीमा की या एक्सटर्नल लेवल की तो उस वक्त हमने कहा था कि द व्यू ऑफ द डाटा दैट इज एक्सेसिबल दैट इज अवेलेबल

जो मिडिल लेयर है जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो कंसेप्चुअल लेवल है या कंसेप्चुअल स्कीमा है उसकी जो डिटेल्स है या उसका जो एक्सेस है उसको हाइड करने के लिए फ्रॉम द एक्सटर्नल यूजर फ्रॉम द एंड यूजर्स तो व्यू का ये कॉन्सेप्ट है उसका एडवांटेज ये है और व्यूज को मतलब हम जो इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पेज के लिए करते हैं डिफरेंट रीजनस के लिए करते हैं लेकिन इसकी अपनी जो है वो टेक्निकलिटीज हैं और मेरी कोशिश होगी कि जो डिस्कशन हमारी व्यूज़ के ऊपर होगी उस दौरान आपको ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाए तो आइए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ए व्यू इज़ डिफाइंड टू कम्बाइन सर्टन डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स फॉर डिफरेंट रीजनस यानी यहाँ से यह आपको अंदाजा हो गया कि हम डाटा लेंगे एक या मल्टीपल टेबल से और वो प्रेजेंट uh, करेंगे किसी भी यूजर्स के लिए किसी पर्पस के लिए हम उसको वहां से लेंगे एक डेफिनेशन तो उसकी ये है दूसरी ये है कि अ व्यू इज लाइक ए विंडो थ्रू विच वी कैन सी डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स अब इसमें देखिए कि जैसे आपको डेफिनेशन से दोनों डेफिनेशन से अंदाजा हो रहा है कि वी कैन एक्सेस डाटा फ्रॉम वन टेबल और फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स थ्रू ए व्यू और यह वह रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि जब हमने जो इस डेफिनेशन से शायद आपको एक शायद मिसकैप्शन आपको मिल रही हो कि हम तमाम का तमाम डाटा जो है मल्टीपल टेबल से या एक टेबल से उठा लेंगे नहीं विंडो है विंडो का यह है कि जितना हमें व्यू चाहिए हम उतनी ही विंडो क्रिएट करेंगे एक या मल्टीपल टेबल्स के ऊपर तो व्यू का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो आपका एक्चुअल टेबल है उस तक एक्सेस नहीं दे रहे बल्कि आप उसके ऊपर एक और व्यू क्रिएट कर रहे हैं एक और लेवल क्रिएट कर रहे हैं और जो आपका एंड यूजर है वो उसके थ्रू देख रहा है तो उसका कोई एडवांटेज ये है कि जिस नेचर का यूजर ग्रुप है आपका जिस यूजर के लिए आप व्यू क्रिएट कर रहे हैं यू कैन क्रिएट ए व्यू यू कैन ओपन ए विंडो एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर और द यूजर ग्रुप ये एडवांटेज आपको आगे मजीद क्लियर होगा वाई व्यूज हम व्यूज क्यों इस्तेमाल करते हैं देखिए अगर व्यूज को इस्तेमाल ना करते तो फिर दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम जो हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल है हम डायरेक्टली उसी पे एक्सेस दे दें या उसी के थ्रू हम डाटा को एंड यूजर्स को एक्सेस दें अगर व्यूज ना होते तो लेकिन सवाल यह कि अगर व्यूज ना होते तो उसको नुकसान क्या था या है तो उसका फायदा क्या है तो पहली चीज जो यहां पे लिखी हुई है वो है सिक्योरिटी इससे मना यह है कि थ्रू द व्यू शो द डाटा टू ए यूजर्स ग्रुप दैट इज नेसरी रिक्वायर्ड फॉर दैम यानी इसका मतलब यह हुआ कि व्यू के जरिए आप यूजर को दो तरह से रजिस्ट्रेक्ट कर सकते हैं एक तो यह है कि आप उसको वही डेटा शो कीजिए कि जो उसके लिए रिक्वायर्ड है या जो उसके लिए जरूरी है मिसाल के तौर पर जैसे हमने जब वी वर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ द डाटा बेस वहां हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दे आर डिफरेंट यूजर ग्रुप्स और हर यूजर ग्रुप की अपना अपना इंटरेस्ट होता है अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उस यूजर ग्रुप का जाहिर है कि जो कंसर्न है वो सिर्फ अपनी ही रिक्वायरमेंट्स के साथ है ठीक है लेकिन यू एज ए डिवेलपर एज ए डिजाइनर यू हैव टू केटर यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल डिफरेंट यूजर ग्रुप्स एक बात दूसरी बात यह है कि यू हैव टू डू इट एफिशियंटली अच्छा और उसमें फिर हमने जब बात की थी कि वन ऑफ द स्ट्रॉग फीचर बिग बेनिफिट्स ऑफ द डाटा बेस अप्रोच इज दैट यू कैन शेयर द डाटा अमंग डिफरेंट यूजर ग्रुप्स इन द डाटा बेस अप्रोच तो अब यह है कि अब आपने जब तमाम यूजर की रिक्वायरमेंट्स के लिए आपने डाटाबेस डिजाइन कर लिया देर इज सम डाटा दैट इज रिक्वायर्ड बाई मल्टीपल यूजर ग्रुप्स बट देर सर्टन पार्ट ऑफ डेटा दैट इज रिक्वायर्ड ओनली बाई ए पर्टिकुलर यूजर ग्रुप जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको कि हम बात करते हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की इफ़ यू हैव ए लाइब्रेरी सिस्टम देयर एंड ए रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो क्या है कि स्टूडेंट का नाम उसका फादर नेम उसका एड्रेस मे बी ये रिक्वायर्ड हो दोनों सिस्टम्स को यानी जो लाइब्रेरी सिस्टम के यूजर्स हैं उनको भी और जो हमारे रजिस्ट्रेशन सिस्टम के यूजर्स हैं उनको भी लेकिन अब एक स्टूडेंट ने बुक्स कितनी इशू की हुई है ये चाहिए लाइब्रेरी वाले को ज़ाहिर है ये उसको ज़रूरत है इसी तरह मिसाल के तौर पे कि अगर उसने आज तक जितनी बुक्स इशू की हैं उस पर फाइन कितना है अगेन ये दिस इज़ द कंसर्न ऑफ द पीपल इन द लाइब्रेरी अच्छा इसके अलावा यह है कि हमारे पास uh, एक स्टूडेंट जो है वो उसने कितनी ओवर ड्यू उसकी बुक्स हैं तो ये जो चीज़ें हैं दिज आर द कंसर्न ऑफ द लाइब्रेरी पीपल दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो हमारे रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लोग हैं नाम, फादर नेम, एड्रेस ये तो उनका भी कंसर्न है लेकिन कहां से उसकी प्रीवियस डिग्री है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है कौन से सेमेस्टर में है इस वक्त कितने ड्यूज उसके फुल पे हो चुके हैं कितने रहते हैं और दीज आर द कंसर्न ऑफ द पीपल इन द रजिस्ट्रेशन सिस्टम अब ये है कि जब हम व्यूज की बात करते हैं तो जो इनमें से कॉमन चीजें हैं नेम फादर नेम एड्रेस तो हम बजाय इसको मल्टीपल टाइम स्टोर करने के हम उसको एक इतफा स्टोर करें और जो व्यू डिफाइन करें फॉर द पीपल इन द लाइब्रेरी सिस्टम एंड फॉर द पीपल इन द रजिस्ट्रेशन सिस्टम उस व्यूज के अंदर दोनों को शामिल कर दें अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो आपके दोनों यूजर ग्रुप्स हैं दोनों ये समझेंगे कि यही डाटा डाटा बेस में स्टोर है और कुछ डाटा है ही नहीं वहां पे। और टेक्निकल बात तो ये है के या सही बात तो यह है कि उसको उनको यानी हर यूजर ग्रुप को इससे कंसर्न होना भी नहीं चाहिए जब उनको डाटा मिल रहा है और व्हेन दे आर रिसीविंग द करेक्ट डाटा तो इससे उनका कंसर्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आया किस डाटा को वो कोई और एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा हाँ अगर आप बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आपसे कह सकते हैं कि भाई ठीक है जो ये डाटा है मिसाल के तौर पर जो बुक्स के बारे में डाटा है दिस शुड बी एक्सेसिबल ओनली टू द पीपल इन द लाइब्रेरी तो यू एज ए डिजाइनर यू विल fix the access to that data only for the library people. इसी तरह जो डाटा जो हमारे people हैं in the registration department, आप उनको डाटा सिर्फ उन्हीं को दिखाएंगे तो इसका मतलब यह व्यू जो है आपको वो हेल्प ये करते हैं कि आप हर यूजर ग्रुप के लिए उसके अपने कंसर्न का डाटा जो है वो उसको डिफाइन कर दें लेकिन अंडरलाइन डाटा शेयर हो रहा है एंड यू आर मैनेजिंग इट वेरी efficiently। तो वो आपको एक तो फायदा व्यूज का ये हो गया कि आप हर यूजर ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ ऑल अवेलेबल डाटा कि उसको आप वही दिखाएं जो उसकी जो उसके कंसर्न का है एक तो यह फायदा हो गया और दूसरा इसमें जो व्यूज का एडवांटेज है आपको कि आप डिफरेंट यूजर ग्रुप्स को चाहे वो एक ही सिस्टम के क्यों ना यूजर्स हो इवन चाहे वो लाइब्रेरी में डिफरेंट तरह के यूजर हो सकते हैं तो आप व्यूज के जरिए उनकी जो एक्सेस है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर मतलब ये जो हमारा यूजर ग्रुप है वो सिर्फ इस पे यही काम कर सकता है सिर्फ यही देख सकता है यानी आप फिर दो तरह, दो काम काम आपने 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 एक तो आपने ये काम किया कि कि उनका डाटा फिक्स कर दिया कि वो ये चीज देख सकते हैं और दूसरा व्यूज के जरिए आपने यूजर की जो ऑथराइजेशन है उसको भी आपने कंट्रोल कर लिया कि इसने सिर्फ यही काम करना है यही चीज करनी है इसके अलावा उसने काम नहीं करना तो इस तरह से आपको जो एक डाटा की एफिशिएंट मैनेजमेंट है उसमें उसको हैंडल करने के लिए जो व्यूज हैं देर आर देर बिग हेल्प तो ये हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि गिव ऑल दी नेसेसरी ऑथोराइजेशन हम जैसे बात की है एंड नो कंसर्न विद रेस्ट ऑफ द डाटा और जैसे मैं आपसे कहा है कि इससे किसी भी यूजर ग्रुप का कंसर्न नहीं होना चाहिए कि डेटा बेस में और क्या स्टोर है क्या क्या स्टोर है और और इसको कौन कौन एक्सेस कर रहा है अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं तो है आपके से कंसर्न नहीं है कि क्या सिर्फ वहां पर लाइब्रेरी का डाटा स्टोर है या बाकी सर डाटा भी वहां पर स्टोर है वाई व्यूज अनदर रीजन इज एफिशंसी इसमें यह है कि पार्ट ऑफ ए क्यूरी दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज इसको आप सब क्यूरी सब भी कहें डिफाइन इट एज ए व्यू फिर द व्यू डेफिनेशन विल बी स्टोर एंड विल बी एक्सीक्यूटेड एनी टाइम एनी वेयर व्यू इज रेफर्ड देखिए बाद जब ऐसा होता है कि आपने डाटा स्टोर कर लिया हुआ है एंड यू हैव डन इट फॉर अट्स ए फॉर अ पर्टिकुलर यूजर ग्रुप अब उसमें जब आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें ऐसा होता है कि बहुत सी रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं कि जो एक खास तरह के डाटा के ऊपर बेसकारी होती हैं दोबारा टेबल के अंदर आपके पास डाटा मौजूद है बहुत सारा किसी भी चीज़ के बारे में उसमें से एक खास पोर्शन के ऊपर आपको मल्टीपल टाइप की जो ना वो फर्दर क्यूरीज होती हैं और उनके ऊपर आपको वो जो कंडीशन आपको बार बार अप्लाई करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे, वी कंसीडर आवर स्टूडेंट टेबल ठीक है उसमें फर्ज करें कि हमारे पास बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन हैं कि जो एम के स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना वो आती हैं मतलब आपको एम सी स्टूडेंट में से पहले आप कहते हैं कि एम के स्टूडेंट में से जो जैसे के लाहौर से तल्लुक रखने वाले हैं वो एम के स्टूडेंट में से जिनका सी जी पी ए थ्री से ऊपर है वो एम के स्टूडेंट में से जिन्होंने ड्यूज पे नहीं किए हुए वो एम के स्टूडेंट में से जो जिनका जो ओवरसीज स्टूडेंट है वो एंड लाइक दैट एंड देर मैनी अदर एग्जाम्पल्स अब यह कॉमन चीज क्या है कि आपको एम के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर बार बार आपको ये काम करना पड़ता है इसका मतलब है कि जब आप इफ यू वॉन्ट टू सी के पीपल स्टूडेंट्स ऑफ एम सी एस लिविंग इन लाहौर तो आप जो कंडीशन दे रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं सिटी इज इक्वल टू लाहौर एंड प्रोग्राम नेम इज टू एमसीएस जब बात करते हैं सीजीपीए वाली तो आप कह रहे हैं कि सीजीपी इज ग्रेटर देन थ्री एंड प्रोग्राम नेम इज इक्वल टू एमसीएस आप देख रहे हैं कि जो ये कंडीशन है आपकी कि एंड प्रोग्राम नेम इज इक्वल टू एम इट इज बीइंग रिपीटेड बहुत सी एप्लीकेशंस में मुख्तु एप्लीकेशंस में तो बजाय इसके कि यू प्लेस दिस कंडीशन एवरी टाइम यू राइट दिस थिंग एवरी टाइम आप क्या करें आप एक व्यू डिफाइन कर लें फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन द प्रोग्राम उससे क्या होगा कि अब ये जो व्यू की डेफिनेशन है ये आपकी स्टोर हो जाएगी एक व्यू बन जाएगा और ये आपको वैसे ही अवेलेबल होगा जैसे कि एक टेबल है अब जिस वक्त आपको चाहिए फर्ज करें आपके पास टेबल था स्टूडेंट का आपने उसमें एक और व्यू डिफाइन कर लिया हमने कहा कि एमसीएस स्टूडेंट्स यानी टेबल था स्टूडेंट का व्यू बन गया एमसीएस स्टूडेंट अब जब आपको चाहिए स्टूडेंट्स ऑफ लाहौर यू डू नॉट नीड टू राइट के वेयर सिट इक्वल टू लाहौर एंड प्रोग्राम में इक्वल टू नहीं आप सिंपली कहिए कि आप क्यूरी दें किसके ऊपर आप दें कि एमसीएस स्टूडेंट्स के ऊपर रादर देन गिविंग द क्यूरी ऑन द स्टूडेंट टेबल आप क्यूरी दें एम सी एस स्टूडेंट्स व्यू के ऊपर और वहां पर आप सिंपली ये कह दें कि वेयर सिटी इज इक्वल टू लाहौर नो बिकॉज द प्रोग्राम नेम इज इक्वल टू एम सी एस हैज बिकम द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द व्यू सो दिस इज देयर ऑटोमेटिकली यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई दिस एक्सप्लिसिटली अब क्या होगा कि ये आपका जो आ, क्यूरी है जब आप व्यू पे अप्लाई करेंगे तो एमसीएस के स्टूडेंट्स पे ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगी क्योंकि उनकी जो डेफिनेशन है दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ व्यू और आपने जो क्यूरी अप्लाई की है वो व्यू के ऊपर अप्लाई की है और इसकी दूसरी ब्यूटी ये है कि आपका जो डाटा है दैट इज नॉट बींग स्टोर्ड रिपीटेडली दैट इज नॉट बींग कॉपीड व्यू के अंदर बल्कि ऐसा हो रहा है कि आपका जो सिर्फ इतना हो रहा है कि जो आपकी व्यू की डेफिनेशन है वो स्टोर हो गई सिर्फ डेफिनेशन तो जब आप कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि लेट्स ए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम सी एस स्टूडेंट्स वेयर सिटी इज इक्वल टू लाहौर तो क्या होगा कि जहां पे आपने कहा कि एम सी स्टूडेंट्स उस जगह पे जो डी बी एम एस है वो ऑटोमेटिकली इस पूरी स्टेक्स स्टेटमेंट के अंदर जो इसकी डेफिनेशन है वो ऐसे एडजस्ट कर देगा कि वो आपकी क्यूरी यूं बन जाएगी बेस टेबल के ऊपर यानी डीबीएमएस ऑटोमेटिकली इस क्यूरी को ट्रांसफॉर्म कर देगा बेस टेबल के ऊपर या उस टेबल पे जिस पे जिस कि ये व्यू डिफाइन किया हुआ आपने तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी खुद ही के फ्रॉम स्टूडेंट बट दैट वुड बी डन बाय द डीबीएमएस वेयर प्रोग्राम नेम इज इक्वल टू एमसीएस एंड सिटी इज इक्वल टू लाहौर इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो एफिशिएंसी गेन हो गई है वो इस तरह से भी हो गई कि आपको एक्स्ट्रा टाइपिंग नहीं करनी पड़ी बार बार वो लिखना नहीं पड़ा बार बार वो चीज़ कोट uh, नहीं करनी पड़ी और सेकेंडली इसका ब्यूटी ये है कि वो डाटा भी डुप्लीकेट नहीं हो रहा डेटा इज प्रैक्टिकली बींग फैस्ट फ्रॉम द टेबल जिस पे कि आपने व्यू क्रिएट किया हुआ है लेकिन सिर्फ ये है कि जो इसकी डेफिनेशन थी व्यू की दैट इज़ बींग यूज टू to provide you an efficient access. Join columns from multiple tables so that they look like a single table. Aggregate information instead of supplying details. This I will explain in See, when you were designing the database, at that moment, during that time, you had two major preferences. One was to fulfill the requirements of the users. And next, very near to that, was

दॉमलाइजेशन प्रोसेस आवर फोकस वॉज टू हैव ए अनोमलिज फ्री डिजाइन ठीक है उसमें अनोमलिज में से जो खासतौर पर जिसकी हम बात करते हैं वो था कि रेंडेंसी कि आपका डाटा जो है वो डुप्लीकेट फॉर्म में स्टोर ना हो मतलब यह उसकी भी एक फॉर्म थी और बाकी रीजन की बेस पर भी हमने क्या किया, किया कि वी बेसिकली स्प्रिट आवर डाटा इंटू मल्टीपल टेबल्स ठीक है डाटा तो आपका मैंने आपसे कहा कि आपने स्प्लिट कर दिया डिफरेंट टेबल्स के अंदर लेकिन व्हेन वी लुक एट द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स आप ये देखिए कि ऐसा बहुत कम होता है कि जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक यूजर को अपने व्यू के अंदर जो डाटा चाहिए वो एक ही टेबल के अंदर पड़ा हो ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आपने एक स्मार्ट डिजाइन के लिए उसको टेबल में स्प्रिट किया हुआ है अब यूजर का जो एंड यूजर है उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है कि डिजाइन क्या चीज है ये डिजाइन हुआ हुआ कैसे यूजर वांट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ हिम आपने इसको डिजाइन कर दिया है फॉर दफिशंसी परपज इज इन टू मल्टीपल टेबल्स अब इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इट इज वेरी कॉमन इट इज वेरी कॉमन कि आपको जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए डाटा जो आपको मिलेगा दैट वुड बी लाइंग इन मल्टीपल टेबल्स ये वेरी कॉमन अच्छा अब क्या है कि जब आप मल्टीपल टेबल से डाटा एक्सेस करते हैं तो अगर आपको याद हो जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे रेशल एल्जब्रा के अंदर और एसक्यूएल के अंदर उसमें जब आ, हम डाटा मल्टीपल टेबल से एक्सेस करते हैं तो उसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसकी उसमें यूनियन भी हो सकता है इंटरसेक्शन भी हो सकता है लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम जो डाटा एक्सेस करते हैं वो करते हैं थ्रू आ, मतलब जो प्रोडक्ट कह लें या जॉइंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके जरिए करते हैं और मोस्ट कॉमनली जो ज्वाइन की फॉर्म इस्तेमाल होती है दैट इज नेचुरल जॉइन यानी आपके जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसकी जो सेम वैल्यू के बेसिस पे यू जॉइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी डेटाबेस जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें कई मरतबा ऐसा होता है कि यू वांट टू यू वांट टू हैव कंबाइंड डाटा फ्राम मल्टीपल टेबल्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वन यूजर ग्रुप मिसाल के तौर पर अगर हम अपने इसी एग्जाम सिस्टम की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो आपसे आप कहेंगे कि जी मुझे आप दें कि स्टूडेंट का नाम उसका फादर नेम एड्रेस और वह किन कोर्सेज में रजिस्टर्ड है जी अब फ्रॉम ए फ्राम एन एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू वन थिंग दैट इज स्टूडेंट लेकिन आपने उसको अपने एफिशिएंट डिजाइन के लिए यू हैव स्प्रेटेड इन टू स्टूडेंट टेबल एंड एनरोलमेंट टेबल जाहिर है कि और मजे की बात यह है कि आपने जो इनको आपस में रिलेट किया हुआ है जो आप आइडेंटिफाई करते हैं उसके में आपके लिए कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की का आइडेंटिफायर का लेकिन यूजर्स जो है एंड यूजर जो है वो नॉर्मली नॉर्मली वो कीज में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते दे आर जनरली इंटरेस्टेड इन मोर मीनिंगफुल डाटा एंड दैट इज जर्ली द नेम द टाइटल तो अब आपसे जो आपका एंड यूजर वो ये कहता है कि मुझे स्टूडेंट का नाम दो और मुझे का नाम दो जिनमेंड है अब यूजर का शायद ख्याल है एक ही जगह पड़ा हुआ कहीं और आप वहां से के दे देंगे लेकिन आपको ये पता है कि हियर यूर बेसिकली रेफरिंग थ्री डिफरेंट टेबल्स एक टेबल स्टूडेंट का वहां से आप उसका नाम लेंगे फादर नेम लेंगे एड्रेस लेंगे एक टेबल आपका एनरोलमेंट का जहां से आपको यह पता चलेगा कि यह स्टूडेंट किस किस कोर्स में एनरोल्ड है और तीसरा टेबल कोर्स का कि जहां से आप कोर्स का टाइटल लेंगे तो यूजर इज सी इन फ्रंट ऑफ हिम इमेम द नेम द फादर नेम द एड्रेस एंड द दर्स इज ने यूर एक्सेसिंग थ्री डिफरेंट टेबल्स लेकिन यूजर का ऐसे कोई कंसर्न नहीं है बट डेफिनेटली इज योर कंसर्न तो इस सारी बात कहने का मतलब यह है कि आपको डेटाबेस डेवलपमेंट में मल्टीपल टेबल से डाटा बहुत दफा एक्सेस करना पड़ता है और चूंकि यूजर का जो कंसर्न है वो उसी डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल से है और यू हैव टू प्रोवाइड दैट डाटा वेरी फ्रीक्वेंटली तो फिर अगेन हियर कॉम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ व्यू क्या कि रादर देन हम हर दफा ये करें कि जी आप वो उस वो लंबी क्यूरी लिखें कि जो कि डाटा ज्वाइन करें मल्टीपल टेबल से और वो आपको डाटा uh, दे रही है और उसके बाद फिर फर्दर आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसके बाद यानी ज्वाइन करने के बाद और आप इस पर कंडीशन लगा रहे हैं तो उसमें आपको एडवांटेज हो सकता है कि आप कि आप आप सिंपली ये करें एक व्यू डिफाइन कर लें वो व्यू ऐसा होगा कि जो जैसे मैं आपको ये भी एग्जाम्पल डाटा कंबाइन करके दे रहा है और जो यूजर है वो ये फील कर रहा है कि जैसे कि ये तमाम का तमाम डाटा जो है वो आपके पास एक ही टेबल से आ रहा है देखें ना यहां पर थोड़ी सी एक और बात भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमने जो यूजर्स की बात की थी वो हमने कहा था कि दो तरह के यूजर्स होते हैं जो एंड यूजर्स हैं एक हमने कहा था नाइव एक हमने कहा था कैजुअल नाइव यूजर तो वो है कि जो जिसको आप एक फ्रंट एंड डिज़ाइन कर देंगे मेन्यू बना हुआ होगा उस मेन्यू के थ्रू जो है वो डाटा को एक्सेस करेगा और उसे अंडरलाइन स्ट्रक्चर से कोई कंसर्न नहीं है लेकिन जो हमारा कैजुअल यूजर है जिसको बारे में यह है कि उसको कुछ ना कुछ डेटा बेस का अंदाजा भी है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको यह है कि आ, आप उसको वो राइट्स भी देते हैं कि वो डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर सके इस तरह के यूजर के लिए अब अगर फर्ज करें कि वो आ, मतलब जो आपकी हायर मैनेजमेंट है उनमें से कोई बंदा कहता को है कि नहीं मुझे स्टूडेंट्स और उनके जो एनरोलमेंट का डाटा मुझे देखना पड़ता है फ्रीक्वेंटली तो उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ये व्यू डिफाइन कर लें और इवन अपने लिए भी मीन यानी आप दोनों तरह के यूजर की जो रिक्वायरमेंट है दोनों के लिए आपका व्यू यूजफुल हो सकता है कैसे जो आपका नाइव यूजर है जिसके लिए आपने वो आ, जस्ट फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है उसके लिए वो आपके अपने लिए यूजफुल है कि आप एक व्यू डिफाइन कर लें और जो बाकी उसकी डिजाइनिंग है आपके आ, वो जो आपका फ्रंट एंड है जो आपका जियो है उसकी जो आ, जो उसकी डिजाइनिंग है वो आप करें थ्रू दिस व्यू तो आप इस जो स्टेटमेंट हमेशा देते हैं आपके जब आप तीनों टेबल डाटा को पिक कर रहे हैं आप उससे फ्री हो जाएंगे आपको पता है ये व्यू मेरे पास है इसमें तमाम जो इस जगह में डाटा प्लेस करना है वो तमाम जगहों से डेटा कंबाइन कर रहा है तो आपका तारुक सिर्फ उस व्यू से हो जाएगा अंडरलाइक टेबल से नहीं होगा जबकि आपको पता है कि अंडरलाइन जगह टेबल्स हैं ये आपको पता है तो जो आपका इस तरह का यूजर्स है उसमें आपकी जो जो व्यू हेल्प करेगा वो आपकी अपनी हेल्प कर देगा लेकिन यह दूसरी टाइप का यूजर जिसको हमने कैजुअल यूजर कहा है उस केस में कैसे हेल्पफुल है कि आप बजाय उसको कि वो टेबल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर जाए और उस पर ज्वाइंट कंडीशन देता रहे आप क्या करें कि आप सिंपली उसके वो एक व्यू डिफाइन कर दें आप देंगे ये हमारा व्यू है इस ये आपका जैसे सॉफ्ट टेबल कह दें बिकॉज जो आपका एंड यूजर है उसके लिए ये जाना जरूरी नहीं है कि ये व्यू है कि टेबल आप कहें आपका जो रिक्वायर्ड डाटा वो इसके अंदर मौजूद है ये इसके फील्ड्स के नाम है आप इस पर एक्सेस कीजिए वो उस पर स्टेटमेंट इस्तेमाल करता है ठीक है और वो डेटा वहां से एक्सेस कर रहा है लेकिन वो बेसिकली वो जो आपकी स्टेटमेंट है वो व्यू के ऊपर अप्लाई हो रही है और जो आपका एंड यूजर है उसको यह पता भी नहीं चलेगा और ना उसको इसकी जरूरत है दैट यूजर इज यूजिंग दिस व्यू जस्ट लाइक ए नॉर्मल टेबल इसी तरीके से बाज दफा ऐसा होता है कि आपको जो कुछ एग्रीगेट इंफॉर्मेशन है उस पर कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है मिसाल के तौर पर आपने कहा कि आपको आ, जैसे हम आगे डिफाइन भी करेंगे व्यू कि जो एम के स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज क्या है सी या टोटल नंबर कितना है इस तरह यानी जो आपको एग्रीगेट करके एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करके कुछ उस टाइप आपको प्रोसेसिंग करनी है तो उनको भी आप व्यू की शक्ल में डिफाइन कर लें तो बजायस कि आप हर दफ़ा बार बार वो क्यूरी दें तो आप वो एक दफा व्यू डिफाइन कर लें और जिस यूजर ग्रुप को भी अगर आप खुद इस्तेमाल करते हैं आप एक्सेस दे दें उस व्यू व्यू तक तो विदाउट यूजिंग द अंडरलाइन टेबल वो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स है वो व्यू ही फुलफिल करता रहेगा करेंगे अंडरलाइन जो है वो टेबल इस्तेमाल हो रहा है आई होप अब तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि व्यू जो है वो इसका एडवांटेज क्या है और हम व्यू क्यों इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ आपको फर्दर क्लियर होगी जब हम व्यूज़ को डिफाइन करेंगे उनको इस्तेमाल करेंगे तब आपको ये चीज़ें और भी क्लियर होंगी अब जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्यूज़ नॉट एग्जैक्टली द एक्सटर्नल व्यूज ऑफ द थ्री लेवल स्कीम आर्किटेक्चर पर यह एक लिहाज से थोड़ी सी डिबेटेबल चीज़ है बाज़ लोगों के मुताबिक दोनों एक ही चीज़ हैं बाज़ लोगों पर कहते हैं थोड़ा मुख्तफ है तो इसको मतलब फर्क यूं भी कर सकते हैं कि जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल व्यू की तो उससे जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बाज ऑफ एक्सटर्नल व्यू से हमारी मुराद वो जो इंटरफेस है वो होता है अब इंटरफेस में क्या होता है कि उसमें यू प्लेस डिफरेंट फील्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ठीक है और उसमें जो यूजर है वो उनको मैनिपुलेट कर रहा है इस्तेमाल कर रहा है थ्रू मेन्यूज और मतलब उसी यानी कि वो डायरेक्टली बजाय टेबल को या व्यू को एक्सेस करने के वो उस इंटरफेस के जरिए डाटा को एक्सेस कर रहा है तो बज दफ़ा हमारा जो एक्सटर्नल व्यू है उससे हमारा वो होता है लेकिन अगर आप खुद भी और कोई जिसे हमने कैजुअल यूज़र कहा था वो भी अगर डायरेक्टली व्यू तो को इस्तेमाल कर रहा है तो उन मीनिंग में जो हमारा ये जिस हम व्यू की बात करते हैं दैट इज सेम एज एक्सटर्नल व्यू तो ये चीज ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहरहाल आप ये समझ लें कि द व्यू दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग इज सिमिलर टू द एक्सटर्नल व्यू तो जनरल मीनिंग में आप उससे वही मुराद ले लें जो कि हमारा एक्सटर्नल व्यू है दीज आर दी फोर मेजर टाइप्स ऑफ व्यूज इनमें से कुछ आपस में ओवरलैपिंग भी हैं और आप ये कहें कि मुख्त जगहों पर मुख्त मिलती हैं तो इसमें जो हमारे पास यहाँ पे डिस्कस्ड हैं वो हैं डायनामिक व्यूज़ मटीरियलाइज्ड व्यूज़ पार्टीशन व्यूज़ और सिंपल और कम्प्लेक्स व्यूज़ ये हमारे पास इनके डिफरेंट टाइप्स हैं हम इन सब को बारी बारी डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायनिक व्यूज़ और डायनामिक व्यूज़ वही चीज़ें हैं जो कि दैट वी हैविन डिस्कसिंग सो फार अबाउट द व्यूज़ यानी और इनको डायनामिक व्यूज़ हैं वी ऑल्सो कॉल दर्चुअल टेबल्स वर्चुअल टेबल इसी तरह से दे बिहेव ऑलमोस्ट लाइक द टेबल्स बट दे आर नॉट प्रैक्टिकली फिजिकली टेबल्स बल्कि होता वही है जैसे हम आपसे पहले कह चुके हैं कि वो डेफिनेशन की स्टोर होती है और वो जो स्टेटमेंट है अगेंस्ट विच दैट डायनेमिक व्यू डिफाइंड वो स्टेटमेंट एक्सीक्यूट होती है जिस वक्त भी आप उस डायनेमिक व्यू का नाम लेते हैं इस्तेमाल करते हैं तो आइए देखते हैं इसको डेटा इज नॉट स्टोर्ड फॉर द व्यूज जैसे हम पहले बात कर चुके हैं डेफिनेशन स्टोर्ड इन द स्कीमा येस जो आपका यू के डेफिनेशन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर स्कीमा और एक्सिक्यूटेड एवरी टाइम यू इज रेफर्ड ये हम बात कर चुके हैं और हेयर इज द सेंटेक्स और हेयर इज द जनरल स्टेटमेंट टू क्रिएट ए व्यू इसको अगर आप देखें तो इसमें एक चीज बहरा बार ध्यान में रखिएगा कि दिस इज स्पेसिफिक टू द सीक सर्वर हो सकता है कि अगर आप किसी और उसमें करें तो और कल में फॉर एग्जाम्पल करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और जो डिफरेंट होगा वो ख़ास तौर पे जो यहां पे नेम्स की जो है ना पैटर्न वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बिलखसूस बाकी मे बी सेम ही हो अब इसमें आप देखें तो क्रिएट व्यू इट इज रिटर्न इन द कैपिटल यू हैव टू गिव इट एज सच अब जो आगे आपके पास सिक्योर uh, ब्रैकेट्स में दैट इज ऑप्शनल उसमें क्या है कि आपको डाटा का नाम देना है और ओनर का नाम देना है दिस इज ऑप्शनल अगर आप अपने ही अकाउंट में कर रहे हैं तो फिर यू डोंट नीड टू गिव दिस आगे व्यू नेम वो नाम जो कि आपने व्यू का रखना है उसके बाद है कि आपने कॉलम्स ये कॉलम नेम वो हैं कि जो के व्यू के अंदर होंगे यानी इसमें यहां से नहीं आपको ये, मैं आइडिया दे दूं कि जो आपके अंडर टेबल में नाम एट्रीब्यूट के जो कैन हैव एंटायरली डिफरेंट नेम इन द व्यूज तो यहां पे आप वो नाम देंगे कि जो व्यू के अंदर एट्रीब्यूट के नाम होंगे लेकिन इनको आप छोड़ भी सकते हैं तो उसके इसमें वही नाम होंगे जो कि उसके अंदर हैं

ये एक बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने अपनी जो डिस्कशन थी इंडेक्सेस के ऊपर उसको वाइंड अप किया जिसमें हमने लास्टली डिस्कस किया था कि क्लस्टर्ड और अनक्लस्टर्ड इंडेक्सेस में जो डिफरेंस है वो क्या है फिर हमने कुछ टिप्स देखे कि वैन शुड वी यूज़ द इंडेक्सेज और वैन द इंडेक्सेज वुड बी बेनिफिशियल उसके बाद हम एंट्रो में था इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि व्यूज़ का है और आई होप कि अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो आपको सिक्योरिटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है और उसके बाद वी जस्ट हैव टच द टॉपिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज और से हमने अभी जो चीज़ स्टार्ट की है वो डायनामिक व्यूज़ और उसको डिफाइन करने का जो फॉर्मेट है स्टेटमेंट का वो हमने डिस्कस कर लिया है अगले लेक्चर में इनशाला हम आप देखेंगे इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स और किस तरीके से डिफरेंट व्यूज़ को डिफ़ाइन किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है अब मुझे इजाज़त इजाज़ दीजिए अल्लाह हाफिज़